हेलो दोस्तों, तो आज मैं बता रही हूँ आपको रुक चौदस की पूजन। कल मैंने बताई थी धनतेरस की पूजन, अब आज मैं दूसरे दिन का वीडियो बना रही हूँ और दूसरे दिन की विधि भी बता रही हूँ आपको रुक चौदस की, जो प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है वो विधि बता रही हूँ। तो आप देखिए, उससे पहले अपने को ये दोनों दीपक हटा लेना है। दोनों दीपक हटाने के बाद जो मुखी दीपक है इसको जलाना है, और इसमें ये सरसों है, इस सरसों को डाल लेना है। इस सरसों को डालने के बाद इस दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर घी का दीपक लगाना है, जो लक्ष्मी जी का सीधा हाथ और अपना उल्टा हाथ, यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित करना है। जल के छींटे देना है। उसके बाद अपने को अबीर, गुलाल, कंको, हल्दी सभी चीज़ें चढ़ा देना है, जो पूजन सामग्री है। इसके बाद में अपने को 5 अमरवेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ, तीनों अपने को दोनों हाथ से समर्पित करना है लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी को समर्पित करने के बाद प्रार्थना करनी है। इसके बाद इस घी के दीपक से अपने को आरती करना है। इसके बाद अपन ने जो दीपक है, इस दीपक को जो जलाया है, इस दीपक को सारे घर में घुमाना है, और सारे घर में घुमा के मेन गेट पे बीच सेंटर में रखना है, और घर के सारे द्वार खोल लेना है। दीपक जब तक जलेगा तब तक किसी को पैसे नहीं देना है। अब दुकानदार है तो व्यापार कर सकते हैं। तो ये आज की चौदस की विधि पूर्ण हो गई है। तो उम्मीद है मुझे कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।